नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज। पिछले कुछ दिनों से संसद में काफी विवाद हो रहा था। ऐसे में बीते सोमवार को झारखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि देश के 80 करोड़ गरीबों और वंचितों को मुफ्त राशन और भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए, साथ साथ हम सभी भी इसके बधाई के पात्र हैं। झारखंड सांसद निशिकांत दुबे ने आज संसद में विवादग्रस्त टिप्पणी की, जिसमें बीते दिनों के चल रहे विरोध और विपक्ष ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर चर्चा की। इतना ही नहीं, संसद में मुद्रा स्फीति को लेकर भी बात हुई। झारखंड सांसद को अब उनकी टिप्पणी के लिए सोशल मीडिया पर बुलाया जा रहा है। वह मोदी सरकार के तहत भारत में मुद्रा स्फीति के मुद्दे पर बोल रहे थे। संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने आगे कहा कि श्रीलंका, बांग्लादेश, सिंगापुर आदि जैसे पड़ोसी देशों में मुद्रा स्फीति बढ़ रही है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिल रहा है। हर जगह मुद्रा स्फीति बढ़ने के कारण नौकरियां भी जा रही हैं, और अगर ऐसे में हमारे देश के गरीबों को दो वक्त का खाना मुफ्त मिल रहा है तो क्या हमें पीएम मोदी का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद की बात का पलटवार करते हुए सुप्रिया सुले का कहना है कि क्या एक माँ बच्चे को खिलाने के लिए आभार की अपेक्षा रखती है? सरकार माई बाप की तरह है। अगर पीएम मोदी गरीबों को खाना खिला रहे हैं तो उन्हें दुआ मिलेगी, मगर इसका कोई हिसाब नहीं मान सकता। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके सामने। नमस्कार।